बिहार के मोतिहारी में खौफनाक सड़क हादसा। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही सवारी बस पलटने के बाद लगी आग, 27 यात्री जिंदा जले। बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, बीएड शिक्षा को बताया बहुत बड़ा कारोबार। कहा, ऐसा नेता नहीं जिसके पास बीएड कॉलेज नहीं, दुकानदारी खत्म करने की जरूरत। राजस्थान में अंधड़ पर बोले गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, मृतकों को 4-4 लाख रुपए देने का किया ऐलान। धौलपुर को 85 लाख और अलवर को 65 लाख रुपए की दी आर्थिक सहायता। और धनबाद में हुआ न्यूज इंडिया की खबर का असर, स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी डिग्री से चला रहे हॉस्पिटल के चिकित्सक को किया गिरफ्तार, अस्पताल को किया सीज। धनबाद में उद्योगपति जयपाल जैन एंड ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, आवास से मिली 15 लाख रुपए की नकदी, जेवरात सहित कई दस्तावेज भी हुए बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। बिहार के मोतिहारी में खौफनाक सड़क हादसा हुआ, एक सवारी बस में आग लगी और करीब 27 यात्री जिंदा जल गए। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में 3 मई की तारीख एक दर्दनाक हादसा दर्ज करके गुजरी। यहां मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही एक सवारी बस मोतिहारी में सड़क हादसे का शिकार हो गई। पलटने के बाद बस धू धू कर जलने लगी। बस में चीख पुकार मच गई। घायल यात्रियों को बस से निकलने का मौका तक नहीं मिला और करीब 27 यात्री इस भीषण हादसे में जिंदा जल गए। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसा मोतिहारी के कोटवा के बेलवा के पास हुआ। बस में करीब 32 यात्री सवार थे, इनमें से सिर्फ 5 को ही सुरक्षित निकाला जा सका। साहिल राज टूर एंड ट्रेवल की थी बस। ट्रेवल कंपनी का कर्मचारी सरोज सिंह मुजफ्फरपुर से हिरासत में लिया गया। यूपी 75AT 2313 नंबर की थी बस। बस मालिक अभिषेक पांडे दिल्ली का निवासी। परमिट और मानकों की अनदेखी का हो सकता है मामला। कांग्रेस के कौकब कादरी ने लगाया परिवहन विभाग पर आरोप। बिहार में परिवहन व्यवस्था खस्ताहाल। हादसे की वजहों की जांच होना जरूरी है, लेकिन इस पर सियासत ना हो तो बेहतर है। तकलीफ की इस घड़ी में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर प्रभावितों और पीड़ित परिवारों को सांत्वना देनी चाहिए। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। प्रदेश के भरतपुर, अलवर और धौलपुर जिले सहित कई जगह आए आंधी और तूफान के कारण भारी तबाही हुई थी। तूफान में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं पशुधन के हुए नुकसान की भरपाई भी सरकार आपदा राहत फंड से करेगी। इस सिलसिले में आपदा राहत मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने अहम बैठक ली। बैठक में प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को आपदा राहत फंड से राहत राशि ट्रांसफर करने के निर्देश भी दिए गए। आपदा राहत फंड से भरतपुर के लिए 1 करोड़, धौलपुर के लिए 85 लाख और अलवर के लिए 65 लाख रुपए की राशि जिला कलेक्टर के खाते में ट्रांसफर की गई है। अलवर में 9 लोगों की मृत्यु हुई। ऐसे जो मेरे पास नामजद सूची आई है, कहां किसकी डेथ हुई है, वो 33 है। अभी भी सूची घट बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ लोग इंजर्ड हैं, उनमें से भी सूची में नाम जुड़ सकते हैं। कहीं और कहीं रह गए होंगे तो वो भी इससे जुड़ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यह कि केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि यह राजस्थान का पहला एफर्ट है कि अंधड़ और इसमें भी हमने आपदा में जुड़ाने में सफल हुए। ये पिछली जो 11-4 को जो आपदा आई थी अंधड़ की, और उसमें जो 19 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें धौलपुर में उस समय 13 हुई थी, 5 भरतपुर में हुई थी,
और एक अलवर में हुई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य अशोक गहलोत के जन्मदिन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुशी की लहर देखने को मिली। आपको बता दें कि बुधवार को आए तेज अंधर के कारण गहलोत ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़ी सादगी से गहलोत का जन्मदिन मनाया। इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समाज सेवी हाकम अली ने बताया कि रक्तदान में युवाओं ने आम जन से रक्तदान करने की अपील की। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर बाली विधानसभा क्षेत्र के चर्चित यूथ नेता जसवंत राज मेवाड़ ने बधाई दी। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनकी दीर्घायु की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर जोधपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दिन बनार रोड स्थित पिलार बालाजी मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। यशस्वी नेता अशोक गहलोत के जन्मदिन के तत्वाधान में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में एक ठंडे पानी की मशीन जो ये सही हॉस्पिटल और वहाँ पर है, गहलोत साहब का हमेशा भाव रहा है कि मानवीय सेवाओं में जुटे रहो। और आज जो कल प्राकृतिक विपदा हुई है और वो सुविधा के कारण उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रखे थे, वो पर्यावरण के इम्बैलेंस। जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू स्कूल के एक छात्र को महज इसलिए स्कूल से 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उसने स्कूल में हुई एक प्रतियोगिता में योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाया था और जय श्री राम के नारे लगवाए थे। मामला 2 महीने पहले का है, लेकिन उजागर होने के बाद इस हिंदूवादी संगठनों ने इस पर ऐतराज किया है और स्कूल पर मजहबी भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। ये आपको पिछले 2 से 3 महीने पहले एक यहाँ पे शो हुआ था स्कूल में ही, स्कूली ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें मिमिक्री शो हुआ था, जिसमें कोई बच्चे अब्दुल कलाम बने थे, कोई बच्चे योगी आदित्यनाथ बने थे, महापुरुषों का रूप धारण करके उनका भाषण देना था। तो उसमें एक हिंदू बच्चे ने योगी आदित्यनाथ का भाषण दिया, तो उस भाषण देने के बाद स्कूल प्रशासन ने इसको, खासकर ये प्रिंसिपल जी ने उस छात्र को 7 दिनों के लिए रेस्टिगेट कर दिया, यानी सजा सुना दी कि भाई आप इस प्रकार का भाषण क्यों दे रहे हैं। मतलब क्या आप जो है इस्लामिक कानून यहाँ लागू करना चाहते हैं, क्या आपका संदेश है? चाईबासा के पूर्व सांसद बागुन सुब्रई की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि चाईबासा से कांग्रेस के टिकट पर 5 बार सांसद बने और 4 बार विधानसभा पहुंचे। वहीं झारखंड के राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले बागुन सुब्रई को देखने वालों का तांता लगा रहा। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और अन्य राजनेताओं का TMH में आना जाना लगा हुआ है। उधर तबीयत खराब की खबर जैसे ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को मिली तो अर्जुन मुंडा अपने समर्थकों के साथ TMH पहुंचे और बागुन के हालचाल जाने। उनकी स्थिति अब बहुत अच्छी हो रही है। MRI की रिपोर्ट के मुताबिक जो पहले CT स्कैन जो चाईबासा में हुआ था, डॉक्टर साहब ने कहा कि उस वक्त कुछ दिखाई भी नहीं दिया, तो लगता है कि वो ब्रेन हेमरेज तो रूल्ड आउट है, वो हो सकता है कि इंफार्क्ट हो। इंफार्क्ट का मतलब कि थोड़ा सा खून का कमी हो जाता है अचानक दिमाग में। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग भगवान की प्रार्थना से मुझे लगता है कि बागुन बाबू एकदम ठीक हो जाएंगे। उन्हें देखने के लिए आया था, अभी देखा और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अच्छा है। अभी MRI के लिए ले जा रहे हैं, MRI के बाद पता चलेगा ब्रेन में कहाँ कहाँ यह है, लेकिन माइल्ड है ऐसा लोग बता रहे हैं। एक तरफ का लेफ्ट साइड थोड़ा सा ज़्यादा असर पड़ा है, तो मुझे लगता है। बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि BEd शिक्षा बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नेता नहीं बचा जिसका BEd कॉलेज नहीं हो। उन्होंने कहा कि ये दुकानदारी खत्म करने की जरूरत है। बिहार में
बीएड की एजुकेशन बहुत बड़ा कारोबार है। मुश्किल से कोई नेता बचा होगा जिसका बीएड कॉलेज नहीं। और कॉलेज क्या है, इंस्पेक्शन के दिन पड़ोस के कॉलेज की फैकल्टी को यहां दिखा देते हैं और इसकी फैकल्टी को वहां दिखा देते हैं। दाखिला होता है, मनमानी फीस लेते हैं और उसके बाद ना हम लोग ना राजभवन से इजाजत लेते हैं ना नीतीश जी के यहां से इजाजत लेते हैं, बच्चों के दाखिले कर देते हैं और फिर कहते हैं कब इनके इम्तहान कराओ, उनके इम्तहान नहीं कराए तो बच्चों का भविष्य खराब हो। अभी इंटरव्यू करके हजारों लड़कों का इम्तहान हम लोगों को लेना पड़ा क्योंकि उनके गैर कानूनी तौर से दाखिले करा दिए गए थे। मैंने ये तय कर दिया और मैं आपकी मदद चाहता हूं, मैं अकेला कोई अल्लाह मियां नहीं हूं कि मैं सब कर लूंगा। सीएम नीतीश पार्टी के विस्तार में जुटे हैं लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का भाजपा गठबंधन के साथ जाना जदयू के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। पार्टी में अपनी उपेक्षा के साथ अपने समाज की उपेक्षा की शिकायत पर जदयू नेता अब नीतीश से दूर होते जा रहे हैं। वहीं पार्टी के बड़े दलित नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद आज जदयू युवा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ रहे हैं। संतोष ने जदयू छोड़ने से पहले सीएम नीतीश पर गंभीर आरोप लगाए। संतोष कुशवाहा ने कहा कि जदयू में लोकतंत्र खत्म हो गया है, आरसीपी जदयू के अंदर नीतीश कुमार को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, पार्टी में पूंजीपतियों का बोलबाला है। जी का कहना था कि जब कोई पंचायत के अध्यक्ष पंचायत के कार्यकर्ता किसी बात को कहता हो उसी बात को दूसरे तरह से जिले के अधिकारी कहता हो तो अपने पंचायत के अध्यक्ष को बात मान लेना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। आज बिहार में अफसरशाही हावी है, जिस तरह हाल ही के घटना में देखे होंगे कि कोई अफसर के विदाई में गोली और पिस्तौल छोड़ा जाता हो, बैंड बाजा बजाया जाता हो, यह बहुत ही अशोभनीय है और बिहार में अफसर तंत्र हावी है, लोकतंत्र खत्म होते दिख रहा है। धनबाद में न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है, जहां जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी डिग्री के आधार पर हॉस्पिटल चला रहे हैं और प्रैक्टिस में लगे एक फर्जी चिकित्सक को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके अस्पताल को भी सील कर दिया गया है। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई राजगंज थाना क्षेत्र के डोमनपुर में हुई है, वहीं पर श्री साईं बाबा हॉस्पिटल को सील किया गया। आपको बता दें कि न्यूज इंडिया ने धनबाद में फर्जी चिकित्सकों के द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़ा और लगातार प्रैक्टिस को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया और कार्रवाई की। डॉक्टर राजकुमार और डॉक्टर एसडीओ साहब आए थे और डॉक्टर कुलदीप तो दूसरा का है एमबीबीएस डिग्री इनके पास नहीं है और दूसरा का रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज कर रहे हैं। धनबाद में देश के जाने माने उद्योगपति जयपाल जैन एंड ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापामारी की। उद्योगपति के पंचकूला स्थित आवास से 15 लाख रुपए नकद बरामद हुए। इसके अलावा जेवरात और निवेश के कई कागजात भी बरामद हुए हैं। झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित देश के कुल 9 ठिकानों पर एक साथ आईटी की छापेमारी की गई। रिम्स में इलाजरत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, झारखंड विकास मोर्चा के महासचिव बंधु तिर्की भी साथ थे। लालू से मुलाकात के बाद सोरेन ने कहा कि लालू यादव को ऐसी सुरक्षा के बीच रखा गया है मानो वे कोई आतंकवादी हों। इनको एम्स से रिम्स रेफर किया गया है, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि इनको हतोत्साहित करने का सरकार का अपना जितना हथकंडा है वो लगाने पे लगी। पता होना चाहिए यहाँ मेडिकल बोर्ड का क्या स्थिति है, यहाँ पर मेडिकल बोर्ड, यहाँ सरकार रिम्स के मेडिकल बोर्ड पर विश्वास ना करते हुए अपने आर्मी के डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड से जाँच करा करके रेफर करती है, तो ये क्या अपने मेडिकल बोर्ड पर विश्वास रखते हैं, ये एक भी बहुत बड़ा सवाल है।
राजनीतिक बातें भी किए, जैसे आप लोगों को पता है कि घूमिया और सिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिम्स से ही उसको रिफर कर दिए गए थे एम्स में, और एम्स में लिखा है कि 16 बीमारी है अभी और इनका इलाज चलना चाहिए। तो हमको लगता है कि सरकार के माने जो कदम है दुर्भाग्यजनक कदम है, कहीं बेहतर इलाज के लिए बेहतर जगह भेजा जाता है, लेकिन बेहतर जगह नहीं भेज कर एम्स से रिफर कर दिया रिम्स से। और जहाँ तक उनका गुरु मंत्र नहीं, वो करते सब मिलजुल कर आने वाले समय में चुनाव आप लोग लड़िए। संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल सवाई माधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां बिंजारी गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने जितेंद्र गोठवाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और खुशी से संसदीय सचिव को घोड़ी पर बैठाकर जुलूस निकाला। इस मौके पर संसदीय सचिव ने बिंजारी गांव के ग्रामीणों को जनता जल योजना की सौगात देते हुए योजना का शुभारम्भ किया। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जुबली पार्क रोड में उस वक्त हंगामे का माहौल बन गया जब स्थानीय लोगों के हत्थे एक चोर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि साक्षी की रहने वाली एक महिला सड़क से जा रही थी, तभी एक युवक पीछे से महिला की चैन छीनने का प्रयास करने लगा। महिला ने जैसे ही शोर मचाया, मौके पर मौजूद राहगीरों ने युवक को पकड़ लिया और युवक की जमकर पिटाई कर डाली। इस दौरान यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। जमशेदपुर में इंटक के द्वारा इंडियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन की वार्षिक बैठक का आयोजन कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी के द्वारा मजदूर हक में किए जाने वाले आंदोलन पर कई दिशा निर्देश दिए गए। बिष्टुपुर के एसएनटीआई में इंटक के द्वारा इंडिया नेशनल मेटल वर्कर फेडरेशन की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक जमशेदपुर में पहली बार इंटक जिला कमेटी के द्वारा आयोजित की गई थी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी और टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र के अलावा इंटक के कई नेता मौजूद रहे। इंडस्ट्री बीमार है तो ट्रेड यूनियन भी बीमार रहेगा। इंडस्ट्री बनाने अच्छा भी चल रहा है तो हम भी अच्छे में रहेंगे। सिख में तकलीफ में प्रॉफिटेबल में हम पार्टनर हैं। उसी तरह इंडस्ट्री भी वर्कर के मुसीबत में तकलीफ में भी पार्टनर रहना चाहिए। तो इस तरह इंडस्ट्री चल सकता है। इंडस्ट्री एक आदमी का हुकूमत से नहीं चलेगा, ये ट्रेड यूनियन का या मैनेजमेंट का हमको बैलेंस करके चलने से ही उधर कैपिटल भी डेवलप होगा, नया कारखाने भी आएंगे, नया। झारखंड में दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी और झामुमो को समर्थन देगी। इसकी औपचारिक घोषणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय ने की है। गोमिया और सिल्ली विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में झारखंड प्रदेश कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों को समर्थन देगी। कांग्रेस विपक्षी एकता को निभाते हुए ये निर्णय लिया है, इसलिए कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगी ताकि यहाँ की जनता को भाजपा की जहरीली और नफरत भरी राजनीति से मुक्ति दिलाई जा सके। विधानसभा में विधायक दल के नेता आदरणीय आलोकनाथ आनंद जी, गृह मंत्री हम सबों के गार्जियन आदरणीय श्री सुबोध कांत, नमस्कार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय पर पहुंचा है कि हम लोग दोनों विधानसभा सिल्ली और गोमियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन करेंगे। विपक्षी एकता को ध्यान में रखते हुए और जैसे भी आपको पहले से ही मालूम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, आरजेडी और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के साथी लोग और कांग्रेस भविष्य में झारखंड के जनता को भारतीय जनता पार्टी के जहरीली और नफरत भरी राजनीति और हर तरीके से हर फ्रंट में जो विफल होते हुए आपको नजर आ रहा है, रघुवर दास जी की सरकार हो या मोदी सरकार।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के रिम्स अस्पताल के कार्डियोलॉजी में भर्ती किए जाने के बाद डॉक्टरों की टीम लगातार चेकअप कर रही है। अटेंडर भोला यादव ने बताया कि जिस उद्देश्य से लालू जी को रिम्स लाया गया था उस पर कोई सुधार नहीं बल्कि हालत और बिगड़ रही है। अभी तक तो नहीं आया है लेकिन जहां तक उनका जो स्थिति देख रहे हैं यथावत बने हुए हैं। जहां तक आज सुबह में बता रहे थे पेशाब में भी जलन हो रहा है और कई जो प्रॉब्लम पहले से है अभी तक एज इट इज है, कहीं कोई सुधार की संभावना नहीं दिख रहा है। और जैसे एम्स से आए थे वैसे ही है, कुल मिलाकर के प्रॉब्लम घटने के बजाय प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। वो जो उनका जो काउंट बढ़ा हुआ था 10,000 से ऊपर था वो घटाने जिसके चलते बॉडी में इन्फेक्शन गुलाबी नगरी जयपुर में फिल्म फालूदा की स्टार कास्ट पहुंची। फिल्म के डायरेक्टर धीरज ने बताया कि फिल्म एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जिसकी दो बीवियां हैं। फिल्म काफी कॉमेडी है, फिल्म में ड्रामा है जो दर्शकों को काफी हंसाएगा। फिल्म में आरव नेगी, गूंज चांद, पीहू शर्मा और डायरेक्टर धीरज सिंह मुख्य भूमिका में हैं। आप देख रहे हैं जैसे फालूदा में कई चीजें बीमारी में बचा रहा है और बाकी ये इसी में सब कॉमेडी आ रही है। इसी में ये होती है जिसका नाम अजय है और दो दो बीवियां रखे हुए राजस्थान सरकार सूबे में शिशु मृत्यु दर को कम करने की कवायद कर रही है। इसी के मद्देनजर जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में सबसे बड़े एनआईसीयू की शुरुआत की गई। 8 करोड़ की लागत से बने हाईली इक्विप्ड 105 बेड के एनआईसीयू में नवजात की हर तरह की क्रिटिकल केयर की जा सकेगी। एनआईसीयू अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट एनआईसीयू है जिसको कि लेवल 3 एनआईसीयू बोला जाता है। अगर एनआईसीयू का क्लासिफिकेशन करा जाता है तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होती है। लेवल 3 सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के एनआईसीयू होती है जिसमें कि बच्चे के जो लाइफ बचाने के लिए जीवन रक्षक इक्विपमेंट एवं प्रणालियाँ होती हैं वो सारी अवेलेबल होती हैं, 2400 घंटे काम में ली जाती हैं विद अ ट्रेंड क्वालिफाइड डॉक्टर जो कि अवेलेबल रहता है। इस आईसीयू के अंदर हमने 105 बेड इसी तरह के लगाए हैं जिसके अंदर के बच्चे को लाइफ सपोर्ट देने के लिए सारे नेसेसरी इक्विपमेंट होंगे जैसे कि वेंटिलेटर्स, बबल सीपैप, रेडिएंट वार्मर्स, इन्फ्यूजन पंप, मल्टीपैरा मॉनिटर, ब्लड गैस एनालिसिस। जो नया एनआईसीयू बना है इस एनआईसीयू में 105 शैयाएँ हैं और इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला हिस्सा तो वो है जिसे हम हाई डिपेंडेंसी यूनिट बोलते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसमें गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु रखे जाएंगे जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, जिनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और स्पेशलाइज केयर की ज़रूरत है। तो इसमें करीब हमारे 50 बेड हैं और उसके बाद आते हैं लो डिपेंडेंसी, जैसे यहाँ से स्टेबल हो गए जिनको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है उनको हम लो डिपेंडेंसी यूनिट में रखते हैं। और इसके बाद तीसरा ग्रुप ऐसा बनाया है जिसको माँ के साथ बच्चे को रखने की सुविधा रखी जाएगी। तो जेके लोन को ये बड़ी सौगात मिली है एनआईसीयू का, ये 8 करोड़ की लागत से एनआईसीयू का शुभारंभ किया गया है जिसमें हर तरह की क्रिटिकल केयर नवजात बच्चे को मिल सकेगी। शिशु मृत्यु दर कम करने की सरकार कवायद में जुटी है जिसके तहत सबसे बड़े एनआईसीयू का शुभारंभ किया गया है। 8 करोड़ रुपए की लागत से ये एनआईसीयू का शुभारंभ किया गया है। जेके लॉन अस्पताल में शिशु मृत्यु दर कम करने की कवायद सरकार कर रही है। हर तरह की बच्चे की क्रिटिकल केयर इस एनआईसीयू में की जा सकती है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले किसान को गोलबंद करने की कोशिश होने लगी है, एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार किसानों पर मेहरबानी जताने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बिहार में सत्ता पक्ष किसानों की आय दोगुना करने का सपना दिखा रहा है और विपक्ष किसानों की बदहाली का रोना रो रहा है। कहने के मानिए कि सत्ता के केंद्र में किसान है
जीतनराम मांझी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए पूछा कि किसान के लिए सरकार ने क्या किया, क्या मेहरबान हुए हैं, मेहरबानगी का कोई हमको एग्जांपल दीजिएगा। अगर मेहरबान होते तो जीतन मांझी 2014 में किसानों को जो धान क्रय विक्रय होता था उसमें 300 रुपया बोनस उसने दिया था, 300 रुपया, और टारगेट जितना था वो कंप्लीट हो गया था। और उसके अलावे जो वेटेज का मामला है कि 27% अभी है, 20% से नीचे आएगा तब हम उनको ये देंगे, इसके लिए 5 किलो धान ज़्यादा लेकर के पैसा देने की बात किया था, वो अगर कर देते तो हम जानते। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कहना चाहते हैं कि साहब कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात हमने की थी कि किसान को बैठाइए, मजदूर को बैठाइए, और वो जो विक्रेता है उसको बैठाइए और सरकार बैठे। ये चार प्रकार के तत्व अगर बैठ करके किसान को कितना खर्च होता है और कितना उसमें आमदनी होती है उसका देवढ़े सही उसको लाभ देते तब हम समझते, तो वो तो है नहीं। विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी ने अपने कामों की पूरी लिस्ट दिखा दी। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार ने किसानों के लिए जो काम किए हैं उनके मुकाबले विपक्ष अपना एक भी काम नहीं गिना सकता। विपक्ष का काम है सरकार, ये जनरली विपक्ष का काम है सरकार का। आप कह रहे हैं कि सरकार किसानों के लिए कुछ करती नहीं है, सरकार दलितों के लिए कुछ करती नहीं है, सरकार मजदूरों के लिए कुछ करती नहीं है। जब सरकार करती है तो आप कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति कर रही है, तो ये दोनों बात कैसे चलेगा, ये दोनों बात कैसे चलेगा? या तो आप जो सरकार के काम हैं उनको आप नकारात्मक राजनीति से देश को ऊपर उठना पड़ेगा। चुनावी वर्ष है, हमारे हर कार्य को ये लोग वोट बैंक की राजनीति से देखेंगे, लेकिन आप पिछले 3-4 साल के कार्यकाल को उठाएंगे नरेंद्र मोदी जी का, तो हर वर्ष कई योजनाओं को लाना, सॉयल हेल्थ कार्ड कब आया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो किसानों को का फायदा पहुंचाया जा सके, ये डिसीजन तो 2 साल पहले हुए। कई चीज़ों को उसमें शामिल किया गया है। पहली जब सरकार हमारी बनी तो किसान कृषि एक विभाग होता था, अब किसान के ध्यान में रखकर कृषि विभाग चले, इसकी सोच में विभाग का भी नाम परिवर्तित किया गया। तो किसानों के लिए हमको क्या करना है ये विपक्ष से हमसे न सलाह लेना है और न उनके टिप्पणियों से हमारी परेशानी होने जा रही है। जाहिर है कि चुनाव के पहले किसानों के बीच वोट बैंक का बीज पार्टियां बोने को तैयार हैं, ताकि जब मतदान का मौसम आए तब वोटों की फसल काटी जा सके। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।